मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कल्याण सिंह जी, राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीर भूमि मेवाड़ महाराणा प्रताप री स्वतंत्रता री लड़ाई री धरती, मीरारी भक्ति री धरती, पाथल पिथल री धरती, झाला मान भामाशा हकीम खासूर राणा पूंजा बिलरी करम भूमि ने पन्ना हाड़ी रानी री त्यागरी भूमि, जठे प्रभु एकलिंग नाथ स्वयं विराजे, असी त्याग तपस्या वीर भूमि मेवाड़ ने मारो घणो घणो नमन। खम्मा घणी सबने, आप सब इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछले दिनों बाढ़ के कारण देश के कुछ भागों में काफी मुसीबत आई, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, किसानों को भी काफी नुकसान हुआ, राजस्थान में भी कई स्थानों पर ये संकट आया। राज्य सरकार ने अपना एक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा है, भारत सरकार की तरफ से भी एक उच्च स्तरीय समिति राजस्थान का दौरा कर चुकी है और मैं राजस्थान के इन बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों को, किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी। और इस संकट से बाहर निकल करके
एक नए विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल करके भरपूर प्रयास भी करेंगे। आज एक ही कार्यक्रम में 15,000 करोड़ रुपयों की ज्यादा लागत के विकास के कामों का शिलान्यास होना या लोकार्पण होना, ये अपने आप में राजस्थान के इतिहास की एक अद्भुत घटना है। योजनाओं की घोषणाएं करना, चुनाव के समय भांति भांति के वादे करना, अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन छप जाना, आप भी भले हम भी भले, माला दो तुमको डालू, दो माला तुमको डालू, ये सारे खेल देश भली भांति देखता आया है, सालों से यही चला है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है इन पुरानी बुराइयों को खत्म करने में इतनी ताकत लगती है, इतनी ताकत लगती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे हालात छोड़ के गए हैं सारी व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है, बुराइयां इतनी प्रवेश कर चुकी है, अगर कोई ढीला ढाला इंसान होता तो शायद उसको देखते ही डर जाता। लेकिन हम जरा अलग मिट्टी के बने हुए हैं, चुनौतियों को चुनने की भी आदत है और चुनौतियों को चुनौती देने की भी आदत है और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रास्ते खोजते हुए मंजिल की ओर देश को ले जाने के लिए जी जान से जुटने का मजा भी रखते हैं। अभी नितिन जी वर्णन कर रहे थे चंबल के उस ब्रिज का, ग्यारह साल और बजट कितना, 300 करोड़ से भी कम। सरकार सरकार में फर्क क्या होता है, काम करने वाली सरकार किसको कहते हैं, ये समझने के लिए ये घटना काफी है। एक छोटा सा ब्रिज, 300 करोड़ की लागत का ब्रिज साल डेढ़ साल में बन जाए, सामान्य पद्धति से बनाए तो भी साल डेढ़ साल में बन जाए, 11 साल बीत गए।
और आज ₹5,600 करोड़ के वो प्रोजेक्ट, जरा पत्रकार मित्र हिसाब देखे दिमाग में, ₹300 करोड़ का प्रोजेक्ट 11 साल, ₹5,600 करोड़ के काम 2014 में दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद विचार आया, योजना शुरू हुई, कार्यक्रम बना और आज 3 साल के भीतर भीतर 5,600 करोड़ के कामों का लोकार्पण हो रहा है। हमने उस संस्कृति को लाने का प्रयास किया है, जिस काम का हम आरंभ करेंगे उसे पूरा करने का प्रयास भी हम ही करेंगे। और जब कोई योजना विलंबित हो जाती है, एकाध चुनाव में राजनीतिक लाभ तो शायद मिल जाता होगा, घोषणा की, पत्थर गाड़ दिया, फूल मालाएं पहन ली, फोटो निकलवा दी, अखबार में छपवा दी, एकाध बार चुनाव तो निकल जाएगा, लेकिन बाद में अगर वो योजना अटकी पड़ी है, हजारों करोड़ रुपयों की लागत बढ़ती जाती है, काम न होने के कारण जो नुकसान हुआ है वो अलग, काम अटकने के कारण जो नुकसान हुआ है अलग, और देश का पूरा अर्थतंत्र एक खड्डे में पड़ी हुई योजनाएं खा जाती है। ऐसी गड्ढे में पड़ी इतनी योजनाओं को मुझे बाहर निकालने में इतनी ताकत लग रही है, जैसे कि ये ब्रिज आपने देखा, बंद पड़ा था काम, कोर्ट कचहरी में उलझ रहा था, हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ फैसले लेते हैं, निर्णय करते हैं तो परिणाम भी मिलता है, और वो आज परिणाम आपके सामने है। और आने वाले दिनों में 9000 करोड़ से भी ज्यादा नए काम अकेले राजस्थान में, और प्रमुखतया रोड सेक्टर के काम, कहीं रोड की चौड़ाई, कहीं नई पुलिया, कहीं नया रोड, कहीं रोड का आधुनिकीकरण, एक साथ 9000 करोड़ से ज्यादा रुपयों के काम को शुरू करना, अगर यही काम 500 करोड़ के आज करते, 500 करोड़ के 5 दिन के बाद करते, फिर 500 करोड़ के 1 महीने के बाद करते, तो राजस्थान के अगले चुनाव तक हम राजनीति की रोटियां सेकते रहते, लेकिन वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। हमें काम करना है, समय सीमा में काम करना है, और इसलिए एक साथ योजना बना करके 9000 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत से नए कामों का आज शिलान्यास हो रहा है। और जब इतनी बड़ी जनभेदनी के सामने कार्यक्रमों की बात करते हैं तो पूरा करने के संकल्प के साथ करते हैं, और मैं राजस्थान की धरती को विश्वास दिलाता हूं कि ये करके रहेंगे और राजस्थान की कायापलट होके रहेगी। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व होता है।